हेलो बच्चों, ये पॉलिनोमियल्स का फोर्थ वीडियो होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में अब देखिए, पूरा अच्छे से पॉलिनोमियल्स को अगर पढ़ना है तो हर एक चीज़ को ध्यान से देखना होगा। चार पाँच छः वीडियो बनेगा इस पे, ठीक है, लेकिन जब बन जाएगा तो उसके बाद पूरा क्लियर हो भी जाएगा कॉन्सेप्ट जो भी है आपका पॉलिनोमियल से रिलेटेड। ठीक है, लास्ट में हम लोग पढ़े थे पॉलिनोमियल्स, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग को मिड टर्म स्प्लिट का यूज़ करना था और बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात भी बताए थे, तो उस पर गौर करते रहिएगा कंटिन्यू। तो मिड टर्म स्प्लिट अगर करना था तो मिड टर्म स्प्लिटिंग में हम लोग देखे थे कि किस तरह उसको करते हैं, तरीका बताए थे। हम चार बोले थे कि एक दोनों प्लस, दोनों माइनस, एक प्लस, एक माइनस, एक माइनस, एक प्लस। तो हम उसमें एक प्लस एक माइनस आगे पीछे था और एक माइनस एक प्लस, उसके रिवर्स में क्वेश्चन को देख लिए थे। ठीक, अब यहाँ वो दो प्लस और दो माइनस वाला था, तो एक माइनस वाला जो क्वेश्चन है आज उसको कर लेंगे, और दो प्लस वाला तो कर ही लिए थे उस दिन। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को आज करेंगे। हाँ, लास्ट जो हम लोग बुक से बना रहे थे क्वेश्चन, तो बुक से जब क्वेश्चन बनाए थे तो एक्सरसाइज में जो जीरोज निकालना था ना, वहाँ तक किए थे और कंपेयर किए थे, वेरीफाई किए थे, और सब वेरीफाई हुआ भी था। ठीक, आज हम लोग उसका उल्टा से पढ़ेंगे, रिवर्स से पढ़ेंगे कि अगर जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जीरोज निकाले लास्ट वीडियो में, अब इसका उल्टा, जीरोज है तो पॉलिनोमियल्स निकालो, जिसका फॉर्मूला लिखा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, हाँ, आज क्यूबिक भी पढ़ेंगे। ठीक, तो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में एक छोटा सा डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं। जैसे वहाँ डिराइव किए थे फॉर्मूला सम और प्रोडक्ट का, यहाँ भी उसी तरह डेराइव करेंगे। वहाँ वहाँ जिस तरह से हम लोग पढ़े थे कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का दो जीरोज होता है, वहाँ कितना होगा? तीन। बस यही अंतर है, वहाँ पावर थ्री है, डिग्री थ्री है, तो तीन होगा और वहाँ दो था। तो इसके लिए आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। फिलहाल आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज में जाइएगा। ठीक है, एक्सरसाइज में आज हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे जिसके जिसमें जीरोज होगा पॉलीनोमियल्स निकालना। जैसे अब जैसे सपोज मान लीजिए अल्फा टू है और बीटा थ्री है। ठीक है, बीटा अल्फा टू है, बीटा थ्री, बोलता पॉलिनोमियल्स निकालिए। ठीक है, ये जीरोस दे दिए हम आपको। ठीक है, जीरोस पता है और पॉलिनोमियल्स अगर निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था हम आपको बता रहे हैं। हम लिखाए थे भी स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स निकालने का फॉर्मूला है। तो जैसे टू को अल्फा की जगह पे रख दीजिए, बीटा की जगह पे थ्री को रख दीजिए, टू इंटू थ्री, तो कितना आ जाएगा? टू प्लस थ्री 5x प्लस 6। ये पॉलिनोमियल्स आ गया इस जीरोस के हेल्प से। फिर से अब पहले वाले पार्ट में जाएंगे, तो अब इसका जीरोस हमको निकालना है। ठीक है, देखना वापस से यही आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, 6 है, 6 का मल्टीपल क्या होगा, सॉरी इसका जो फैक्टर निकालेंगे क्या आ जाएगा, 6 का एलसीएम ले लेंगे, तो सीधा सिंपल सा बात है, 2 × 3 होता है 6, 6 × 1 होता है 6, और कोई तो प्रोडक्ट है नहीं। तो हम लोग को ऐसा दो नंबर खोजना जिसको 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 ऐड करने से 5 आए। ठीक है, ऐड करने से कितना आए? 5। और कहाँ से उधर प्रोडक्ट आता है, कहीं अपने से मन नहीं सोचना है, इसका मल्टीप्लिकेशन से सोचना होता है। तो 2 और 3 ही है, तो ये ख़त्म हो गया, डायरेक्ट इसको सब्सिट्यूट करते हैं, 2x 3x प्लस 6। अब साइन देना है दोनों को, तो जोड़ना था, तो जोड़ने के केस में हम दोनों को माइनस भी से दे सकते हैं, दोनों को प्लस भी दे सकते हैं। ठीक, लेकिन दोनों को क्या देना होगा? माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, क्योंकि -2x - 3x - 5x होगा, और प्लस प्लस लोगों तो यहाँ +5x जो तो है नहीं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। ठीक, तो 2 और 3 में दोनों में प्लस भी दे सकते हैं और दोनों में माइनस भी दे सकते हैं, पर इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ माइनस है तो दोनों में माइनस देना पड़ेगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, देखो ये आ जाएगा, अगर दोनों को प्लस देते हैं तो क्या 5x आता माइनस में? नहीं आता, इसीलिए नहीं दिए थे। ठीक है, सिंपल सा बात है, चेन बनाना है, एक्स लीजिए x - 2, 3 लीजिए x - 2, x - 2 कॉमन लीजिए तो x - 3, और अल्फा कितना आया? 2, और बीटा कितना आया? 3। ठीक है, आ गया।
तो उसी तरह हम लोग इसको आया ना 2 और 3। तो जब जीरोस देगा तो पॉलिनोमियल्स निकालना है, तो एक फॉर्मूला जो इसको लिखे हैं यहाँ पी एक्स निकालने का है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एकदम याद रख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चंस, लेकिन बहुत बहुत तरह का पूछता, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो इसको देख लीजिएगा, रब करते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, अगर जीरोस बोलेगा तो जीरोस के जगह पे सब्सिट्यूट करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ जीरोस इज 2, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 3। इससे पहले जीरोस था, ठीक है, 2 और 3, इससे जो पहले क्वेश्चन किए थे वो अल्फा 2 था, बीटा 2 था, 3 था, वो मतलब इंडिविजुअली बताया था जीरोस। अभी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देगा तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि सम के जगह पे बोला है तो इसको अल्फा ले लेते हैं, बीटा ले लेते हैं, पूरा पूरी गलत हो जाएगा, कहीं कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। हाँ, उस फॉर्मूला लिखने का मार्क्स मिल सकता है मे बी, बट आंसर तो आएगा नहीं। तो करना क्या है, ध्यान क्वेश्चन में देना है, अगर जीरोस बोलेगा तो अल्फा के जगह 2 रखेंगे और बीटा के जगह 3 रखेंगे, अगर सम बोलेगा, मतलब सम का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो इसका मतलब इस बार अल्फा 2 नहीं है, अल्फा प्लस बीटा 2 है, तो इसका क्या होगा, फॉर्मूला तो वही होगा, कॉमन है दोनों के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, मेरा जो बन रहा है ना वीडियो चेन के हिसाब से बन रहा है, अगर किसी को पॉलिनोमियल्स पढ़ना है ना तो कोई एक वीडियो बीच में निकाल के नहीं पढ़ सकता है, अगर पूरा चैप्टर को पढ़ना है तो स्टार्टिंग से वीडियो को देखना पड़ेगा, वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, बीच में मे भी अगर देख पाए, हेल्प ले पाए तो लीजिए। ठीक है, काफ़ी शेयर करिए, शेयर इसलिए करने बोल रहे हैं क्योंकि अगर जिसको नहीं पता है तो थोड़ा बहुत पता चल जाएगा उसको इस चैप्टर के बारे में, जिसको मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है उसको लास्ट वाला वीडियो शेयर करिए, बताइए कि सीख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं, तो पी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इस बार अल्फा की जगह 2 रखे थे, बीटा की जगह 3, इस बार दोनों की जगह पर अकेले 2 होगा क्योंकि सम दिया है और प्रोडक्ट 3, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा एग्जाम में, अगर बका के जल्दी में नहीं करना है जिससे आपको दिक्कत हो। तो क्या आ गया पॉलिनोमियल्स, हाँ जब ये देगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा, तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो बुक्स में कुछ क्वेश्चंस है, बुक का क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, इसको रब करते हैं, उस फॉर्मूला को वहाँ रखते हैं। हाँ, चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है तो लिख लेते हैं ऊपर, पॉलिनोमियल्स, टेंथ पार्ट 4, वीडियो पार्ट 4 होगा। ठीक है, छूट गया था, हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। अब यहाँ देखते हैं कुछ है, जैसे 13 नंबर क्वेश्चन क्या क्या कहता है वो देखिएगा, कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 एंड -6। पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोज है 2 और एक जीरोज है -6। हम खाली पढ़ रहे हैं, आप बनाइएगा, बना के कॉपी में करके, इसीलिए हम स्टार्टिंग में नोट्स बनवा रहे थे, बना के कॉपी में करके मेरे को व्हाट्सएप पे PDF आप भेज दीजिएगा। ठीक है, हम उसको करेक्शन करेंगे इंडिविजुअली, एक एक बच्चे का करेक्शन करेंगे। ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे तो मैं भी आपके पीछे पीछे मेहनत करूँगा। ठीक है, आपके साथ चलूंगा। मेरे वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट, तो इस बार जीरोज दिया है तो अल्फा हो गया 2, बीटा हो गया -6, तो वहाँ रख लेंगे। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2/3 -1/4। बस थोड़ा बहुत लेटर में चेंजेस है, बट आप उसको सब्सिट्यूट करके अच्छे से कैलकुलेट करना, आंसर आएगा, सम करना, प्रोडक्ट करना, आप सभी तो आ जाएगा। तो यहाँ रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट है। हाँ, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज, ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना इस बुक में, बाहर का कवर पेज से आप पता कर लेना, इस बुक में, बाकी में भी कॉमन है सभी कुछ। ठीक है, इस बुक में है कि सम ऑफ जीरोज 8, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है,
सम ऑफ जीरोज 8 है एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरोज है 12, तो इस बार सम के जगह रहेगा 8 और प्रोडक्ट के जगह 12, निकाल लीजिएगा। 16 नंबर जो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द सम ऑफ हूज जीरो, फिर से वैसा ही है, अब प्रोडक्ट माइनस 1 है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द सम ऑफ हूज जीरोज इज 5/2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फाइंड दीज जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, थोड़ा सा इसको करते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द सम ऑफ हूज जीरोज 5/2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, ठीक है, सम दिया और प्रोडक्ट दिया और बोलता है कि इस बार पॉलीनोमियल नहीं निकालिए, अलग अलग खाली जीरोज बता दीजिए। इसका मतलब देखिएगा कि सम दिया है, अब प्रोडक्ट दिया है, ठीक है, सम कितना दिया है बुक में, सम कहता है एट, अब प्रोडक्ट है 12, सम दिया है 8, अब प्रोडक्ट है 12, कहता है अल्फा अलग से निकालिए और सॉरी और बीटा भी निकालिए, क्या होगा, ठीक है, फॉर्मूला में रख लेते हैं ना, पी एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर इसके जगह पे क्या रखेंगे 8 प्लस इसके जगह पे 12, क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसको आप मीटर स्प्लिट कर लो, निकाल लो जीरोस अल्फा और बीटा अलग अलग। तो क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं कि हमसे केवल पी एक्स पूछे, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सम ऑफ रूट्स इज रूट टू, तो रूट रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, रूट वाला क्वेश्चन किए हैं लास्ट वीडियो में, देखिएगा देयर प्रोडक्ट 1/2। 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा अच्छे से, कहता है एक्स 2/3 है और एक्स माइनस 3 है आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, कैसा है रूट, तो एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर इसको रब करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी इक्वल टू 0। और ए और बी का वैल्यू निकालना है, एक्स है 2/3 और एक्स है माइनस 3, एक्स है 2/3 और एक्स है माइनस 3, ठीक है, एक्स 2/3 एक्स माइनस 3 और ए और बी का वैल्यू निकालना है, ए बताइए क्या होगा और बी बताइए क्या होगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर ही सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, हाँ, एक एक बार x जो है 2/3 है तो एक बार 2/3 लीजिए इसको, तो क्या आएगा a 2/3, जैसे पी एक्स लिख लेते हैं, बनाने का तरीका भी होना चाहिए, ऐसे इसी तरह सब्स्टिट्यूट करके करेंगे तो फिर एक प्रॉपर वे में बन नहीं पाएगा। तो यहाँ p x कितना लेना है 2/3, नाइन्थ क्लास में आप पढ़े थे ना रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, हाँ थोड़ा सा बात याद आया तो बता देते हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या था, इफ पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा देन पी अल्फा इज इक्वल टू रिमाइंडर, अगर पी एक्स एक पॉलिनोमियल है उसको एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड करते हैं तो जो अल्फा का वैल्यू वहाँ पी एक्स के जगह पर रखेंगे एक्स के जगह पर तो क्या हो जाएगा वो रिमाइंडर, ठीक। उसको अभी बोलने का मतलब ये था कि अगर वही रिमाइंडर जो आया रखने से वही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, जो हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स पार्ट पढ़े थे ना, तो रिमाइंडर थ्योरम का हेल्प लेके वहाँ हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फैक्टर थ्योरम था ना, तो फैक्टर थ्योरम क्या था, पी एक्स इफ पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस अल्फा देन पी अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो, मस्ट जीरो होगा ही होगा, मस्ट भी जीरो। तो कहता है कि तो वो किससे रिलेटेड है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर अल्फा रखने से कोई चीज़ जीरो आ जाता है तो क्या होगा, फैक्टर होगा, फैक्टर ही तो उसका जीरोस कहलाता है। तो एक कॉमन वे है समझने के लिए नाइन्थ के लिए भी टेंथ के लिए कि रिमाइंडर थ्योरम किससे रिलेटेड है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से, और फैक्टर थ्योरम किससे रिलेटेड है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल से, ठीक है। तो अच्छे से करना है, अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम इसी तरह सब्स्टिट्यूट करते थे ना, अब जो आएगा वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगा ना, ठीक है, क्या होगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो रख देते हैं। तो a 2/3 का x स्क्वायर, x का वैल्यू है
प्लस सेवन टू बाई थ्री प्लस बी, तो क्या आएगा ए टू का स्क्वायर फोर थ्री का स्क्वायर नाइन, सेवन टू जो फोर्टीन बाई थ्री प्लस बी, तो फोर बाई नाइन ए प्लस फोर्टीन बाई थ्री प्लस बी। हाँ एक बात और है, अगर ये इसका जीरोज है तो इक्वल टू जीरो होगा ना, जीरोज का मतलब क्या होता है, उसको वहाँ रखो तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो, तो जीरो आएगा, जीरोज का मतलब यही होता है, जब भी उसको सब्सिट्यूट करोगे तो जीरो आएगा। तो एक लीनियर इक्वेशन यहाँ से बना, क्या बना, एलसीएम ले लीजिए, नाइन होगा एलसीएम, फोर ए प्लस थ्री का टेबल में नाइन कितने बार में, तो थ्री बार में, तो फोर्टीन थ्री जो कितना हो जाएगा फोर्टी टू, अब प्लस यहाँ हो जाएगा नाइन बी, नाइन इधर गया जीरो हो गया, तो फोर ए प्लस नाइन बी इक्वल टू फोर्टी टू माइनस में, या प्लस फोर्टी टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, ठीक कर रहे हैं ना, कहीं अगर गलती होगा तो देख लीजिएगा, काफ़ी नीचे हो गया है। ठीक है, ओके है, अब ये एक अपना एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन है ना टू वेरिएबल, नाइन्थ में आप पढ़े थे याद करो, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इस बार एक पूरा चैप्टर है उस पर, मेरे से जो पढ़ते हैं ना उनको बताए थे पहले, लास्ट नाइन्थ में ही बताए थे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कभी सॉल्व नहीं होता, तो ये अकेले कभी ए और बी का वैल्यू निकलेगा नहीं, और हमसे ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है तो वो निकाल नहीं पाएंगे, और निकाल नहीं पाएंगे तो फिर किस तरह निकालेंगे, तो इसका एक पेयर चाहिए, जो अभी चैप्टर होगा ना, अ पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसको भी निकालने का तीन मेथड है, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाकी बाद में समझेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें लगाना पड़ेगा, तो सब्सटीट्यूशन लगाएंगे, नाइन्थ में बताया गया था ये। अब इसको पी एक्स को ए एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस बी, तो पी इस बार एक्स क्या है थ्री, दो बीटा है तो थ्री, तो ए थ्री का स्क्वायर नाइन होगा, सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन प्लस बी, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, तो नाइन ए प्लस बी प्लस ट्वेंटी वन इक्वल टू जीरो, इसका भी जीरो आएगा, तो क्या आया नाइन ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ट्वेंटी वन, और यहाँ क्या आया फोर ए प्लस नाइन बी इक्वल टू माइनस फोर्टी टू, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेना है, सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो यहाँ से b का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगा माइनस ट्वेंटी वन माइनस नाइन ए, यही आएगा, और इस b का वैल्यू को यहाँ सब्सिट्यूट कर दीजिए इसके जगह पर, तो आंसर आ जाएगा, तो आप निकाल लीजिएगा, यानी नहीं निकलेगा तो आप मेरे को बताइएगा, हम निकाल देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टाइम कम है तो सॉल्व करने का पार्ट है, आप करना, इसी मेथड को बोलते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड, अगर बाकी सब सही है तो, हो सकता कहीं कुछ साइन वाइन छूट गया तो दिक्कत होगा, बट आप समझ गए कि इस टू बाई थ्री को यहाँ रखना है, वैल्यू पुट करना है, और ये एक इक्वेशन आएगा, इसको बोलते हैं इक्वेशन वन, और इसको बोलते हैं इक्वेशन टू, बोथ आर पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, एंड मेथड्स फॉर सॉल्विंग द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आर सब्सटीट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो सब्सटीट्यूशन बताया गया अभी, इससे बी निकालें क्योंकि बी ईजी दिख रहा था, और इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ए और बी दोनों निकल जाएगा, मतलब यहाँ रखने के बाद ए निकलेगा, और फिर यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा यहाँ रख देंगे ए के जगह पर, तो बी हो जाएगा, ये ए है। ठीक है, चलिए अब इसको रब करते हैं। हाँ एक क्वेश्चन और है यहाँ कि x प्लस ए इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो x प्लस ए इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, रिकॉर्ड है सुन लीजिएगा। ठीक है, x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, इसमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो आपको पता है x प्लस ए उसका फैक्टर है, फैक्टर थ्योरम, तो a का वैल्यू हम वहां रखेंगे। ठीक है, तो x प्लस ए, तो x का वैल्यू क्या होगा माइनस से, माइनस a को वहां सब्सिट्यूट करो x के जगह पर, x प्लस ए फैक्टर है किसका, फैक्टर है किसका, px का, px जो अभी बताया था ना उसका, तो x
इक्वल टू क्या होगा, माइनस है। अगर इसको इक्वल टू जीरो के करेंगे बराबर, तो एक्स क्या आया, माइनस है। मतलब इस माइनस एक्स का वैल्यू जो भी होता है उसको वहाँ पी एक्स पर रखने पर जीरो होता है, तो वहाँ रखिएगा तो ए का वैल्यू आपको निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस ए है तो ए निकल के बाहर आएगा। एक और क्वेश्चन लेकिन क्यूबिक का है, तो क्यूबिक अभी किए नहीं है तो क्यूबिक कर लेते हैं। हाँ, उससे पहले दे दिया है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्यूबिक करेंगे तब उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।